लॉकडाउन के तीसरे चरण में जनता को कई तरह की रियायत मिली है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से हलचल दिख रही है। इस बार शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। ऐसे में सोमवार को दिल्ली की शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आई। कई जगह दो दो किलोमीटर तक की लंबी लाइनें देखने को मिली, जबकि कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिस पर वहां खड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। करीब 40 दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली तो लोग शराब लेने के लिए बेकाबू हो गए। सुबह से दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने कई दुकानों को भी बंद करवा दिया। पूरे देश में शराब की दुकानों को हरी झंडी दी गई है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा है। वहीं ये तस्वीर जयपुर की है, जहां शराब की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये रही कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। दरअसल देश के कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानें खुल गई हैं। आबकारी विभाग ने दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का आदेश रविवार को ही जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद दिल्ली में शराब की 150 दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है।